5 बिजली क्रैकर्स को मैंने इसके अंदर डाल दिया, आग लग गया, आग लग गया। ओ भाई क्या फटा है। हम सब इस बिजली क्रैकर्स को बचपन से ऐसे ही चलाते आए हैं और उस समय मेरे दिमाग में ये ख्याल बार बार आता था और अभी भी आता क्या है? इस बिजली क्रैकर्स को चलाने के लिए कोई गन नहीं आता है? बेल इसी के लिए मैंने अमेजोन फ्लिपकार्ट सभी पे सर्च मारा, लेकिन मेरा बस दिमाग खराब हुआ और कुछ नहीं। लगता है मुझे ही बनाना पड़ेगा। चलो दोस्तों बनाते हैं। गन का बॉडी मैं बनाऊंगा ये कबाड़ वाले कार्डबोर्ड से, जो सस्ता और टिकाव दोनों है। कहां गया, कल तो मैंने इसे इधर ही फेंका था। हां मिल गया। ये बनेगा हमारा गन का नली एक तरफ के होल को बंद करने के बाद। जब तक ये गन सूख रहा है तब तक मैं तुम्हें कुछ इसके कठिनाइयों के बारे में बता देता हूं। ये है इन्हीं बिजली क्रैकर से निकला हुआ बारूद। भाई तुमने देखा कैसा जला। और ये है माचिस के तीलियों से निकला हुआ बारूद। ओ भाई ये भी खतरनाक जला। इन दोनों को देखे तो इस पटाखे के बारूद को बनाया गया है तेजी से फटने के लिए, तो शायद ये हमारे गन को फोड़ सकता है। और वहीं इस माचिस को बनाया गया है तेजी से जलने के लिए, इसीलिए मैं इस्तेमाल करूंगा इस माचिस के बारूद को। और अब हमारा गन भी सूख कर पूरा रेडी हो चुका है। हाँ कोई नहीं बोलेगा कि इसमें ट्रिगर क्या काम का है। जिसको चलाने के लिए एक बत्ती, बारूद, ये है पूरे 5 बिजली क्रैकर्स। इसको इसके अंदर डालते हैं। हाँ चला जाएगा। हाँ चला गया। और अब ये बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। अब देखते हैं कि ये कैसा फटता है। मैंने इसमें आग लगा दिया। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे डर लग रहा है। ओ भाई तुमने देखा ये कैसा फटा, पांचों के पांचों बिजली क्रैकर्स फट गया।